तो ये जो कोरोना आने के बाद जो है सबसे ज्यादा लॉस हो गए, सो एक कमर्शियल इसमें होटल का डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा नुकसान होने का ये इसमें। और एक बात क्या बोले तो गए बार भी हम लोग जो कोरोना हुआ था उस टाइम पे हम लोग बहुत लॉस हुए थे होटल पे। जो भी हमारा जो बाहर यूपी बिहार बंगाली से जो आए थे वो लोग को हम लोग उनको गांव जाने के लिए सब व्यवस्था किए थे, वो लोग फिर बाद में सब लोग आए भी नहीं है, कामगार भी नहीं मिल रहे थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा बीच में हम लोग अच्छा फिर पिकअप पकड़े थे। उसके बाद अभी फिर वापस ये जो कोरोना महामारी जो है गवर्नमेंट का गाइडलाइन से हम लोग अभी होटल चला रहे, पार्सल जो चला रहा है, वी आर गोइंग टू 100% लॉस। हम लोग तो इसमें कुछ भी प्रॉफिट में नहीं है। और अपने पास जितना भी है, अभी पहले जो 40 बच्चे लोग थे अभी उनको कम करके 20 बच्चे लोग हैं, उनको भी हम लोग पगार देने के लायक नहीं है। हम लोग क्यों बोले तो हम लोग भी बहुत तकलीफ में है और उनको हम लोग किधर से पेमेंट दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट से हमारा गुजारिश यही है कि गए बार भी हमारा होटल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट कुछ भी इंसाफ नहीं दिलाया। क्यों बोले तो बच्चे लोग हमको हम लोग को नहीं मांगता है पैसा, जो होटल ओनर के लिए आप कुछ भी मत दीजिए, लेकिन जो अपना पास जो लेबर है, जो रजिस्टर्ड होटल है, अपना कर्नाटक स्टेट में रजिस्टर्ड होटल 50,000 है, नियरली 1 करोड़ लेबर्स उसमें काम करने वाले हैं। तो आप उसमें होटल होने दो या बार एंड रेस्टोरेंट होने दो, पब्स होने दो, जो भी है सब उन लोग के लिए गवर्नमेंट के हम लोग का यही मांग है कि गवर्नमेंट की तरफ से कम आप सब लोग को दिए, सब कार्मिक लोगों के लिए दिए। तो हम लोग का भी मांग यही है कि कम से कम एक 5,000 तो लेबर लोगों को ले दीजिए, हमारा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। और जो इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ये इंडस्ट्री को अभी आगे ऐसे ही इसका बारे में ध्यान नहीं दिया तो 100% ये डिपार्टमेंट टोटली होटल इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगा। क्यों बोले तो सब लोग बहुत तकलीफ में हैं। हम लोग का वही है विचार, गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप लोग जल्द से जल्द इसके बारे में थोड़ा सोच के ये कोरोना महामारी को हम लोग भी उसको साथ देते हैं, आपका जो गाइडलाइंस है हम उसको भी मानते हैं, और अपना बारे में भी थोड़ा सर्वेंट का और काम करने वाला बच्चे लोग के बारे में आप थोड़ा इसका बारे में कुछ भी हम लोग को थोड़ा ध्यान दीजिए, बोलते रिक्वेस्ट है, वही रिक्वेस्ट है। बातमी मागची बातमी म्हणजे